दोस्तों, यदि आप भी एक ऐप डेवलपर हैं या फिर आपने अपने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड किया हुआ है, यानी कि आइदर आप एक डेवलपर हैं या फिर नॉन डेवलपर हैं, लेकिन आपका एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर के ऊपर चल रहा है और काफ़ी टाइम से आपने अपने ऐप को अपडेट नहीं किया और किसी भी कारणवश, किसी एक्सीडेंटल डैमेज के कारण या फिर डेवलपर की गलती के कारण आपकी की स्टोर की फाइल यानी कि जो JKS फाइल होती है वो डिलीट हो गई है, तो कैसे आप अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि यदि आपने की स्टोर की फाइल यानी कि JKS फाइल को डिलीट कर दिया है, खो गई है, लॉस्ट हो गई है, कुछ भी हो गई है, यानी कि अगर आपके पास वो की अवेलेबल नहीं है, तो अब तक लोग ये सोचते हैं और मैक्सिमम डेवलपर्स का ये मानना है कि अब आप एप्लीकेशन को अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तरीके के बारे में बताऊंगा कि अगर आपकी JKS फाइल अगर डिलीट भी हो गई है किसी कारणवश और डेवलपर ने धोखा दे दिया, डेवलपर छोड़कर भाग गया या कुछ भी ऐसा कुछ एक्सीडेंटल चीजें हो गए हैं, तो कैसे आप लोग अपने की स्टोर की फाइल को यानी कि JKS फाइल को रिकवर करेंगे और नए JKS फाइल के साथ, नए की स्टोर के साथ उसी सेम एप्लीकेशन को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि अब मैं आपको लेके चलूंगा हमारे डेस्कटॉप के ऊपर। वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ में अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर हैं तो पेज की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगी, जाइए और फॉलो कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि कैसे हम रिकवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम लोग हमारे डेस्कटॉप के ऊपर और अब मैं मांग के चल रहा हूं कि आपने अपने प्ले स्टोर के डेवलपर कंसोल वाले अकाउंट को गो टू प्ले कंसोल के ऊपर क्लिक करके आपने विजिट कर लिया होगा और आपने अपने डेवलपर अकाउंट को ओपन कर लिया होगा। जैसे आप ओपन करते हैं आपका जो भी एप्लीकेशन होगा, जैसे LMH कोचिंग का ये एप्लीकेशन देख रहे हैं, लिस्ट में मैं आपको दिखा भी देता हूं फ्रेश लिस्ट के अंदर, और हम मांग के चल रहे हैं कि ये वाला जो आपका एप्लीकेशन है LMH कोचिंग का, इसका जो की स्टोर है ना वो आपने कहीं खोवा दिया, यानी कि आपने अपने डेवलपर अकाउंट के अंदर जो अपने एप्लीकेशन को डाला था उसकी JKS फाइल, जिसको कि की स्टोर फाइल भी कहते हैं हम लोग, उसे आपने खो दिया है और आप कैसे ऐप को अपडेट करेंगे वो मैं आज आपको इसकी वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो जैसे ही आप ऐप को ओपन कर लेते हैं, जो डैशबोर्ड है कुछ देखने में ऐसा लगता है, आपको मेन्यू में सबसे साइड में ऐप साइनिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको ऐप साइनिंग वाले ऑप्शन को ओपन कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले आप देख सकते हैं, इसको डिसमिस कर दीजिए, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आपको वार्निंग दिख रहा है। एक ऐप साइनिंग की सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखेगा, दूसरा ऑप्शन आपको अपलोड की सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखेगा। ऐप साइनिंग की बेसिकली वो होता है जो आपने साइन करके ऑलरेडी प्ले स्टोर पे आपने जो डाला है ये जनरेट होती है ऐप साइनिंग की, आपको इससे कोई मतलब नहीं, इसको छेड़खानी नहीं करनी है आपको। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है अपलोड की सर्टिफिकेट वाले के ऊपर और यहां पर आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट अपलोड की रीसेट का ऑप्शन देखने को आपको मिल जाता है। यहां पे जैसे आप क्लिक करेंगे कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें से कि सेलेक्ट द रीजन फॉर रीसेटिंग योर अपलोड की, आपको रीजन चूज करना है कि क्यों आप रीसेट करना चाह रहे हैं अपने अपलोड की, यानी कि आपकी जो भी JKS फाइल है उसको। तो ऑप्शंस में है आई लॉस्ट माय अपलोड की डेवलपर विथ एसेस टू द की स्टोर एज लेफ्ट माय कंपनी, कोई भी रीजन आप चूज कर लीजिए। और यहां से जैसे मैं आई लॉस्ट माय अपलोड की के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूं, देन यहां पर मैं क्लिक करता हूं आपका सेकेंड ऑप्शन है जनरेट न्यू अपलोड की, आपको लर्न मोर दिखेगा, ये सब लफड़े में मत पड़िएगा। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिख जाता है जिसपे आप कमांड के थ्रू आप PEM फाइल को अपलोड जनरेट कर सकते हैं। मैं मानकर चल रहा हूं कि आप एक डेवलपर नहीं है, स्टार्टअप है आपका, या फिर कोई भी आप ऐसे यूजर हैं जो कि नहीं कर सकते, तो आप लोगों के लिए एक टूल आती है जहां से आप PEM फाइल को जनरेट कर सकते हैं, उसका नाम है की स्टोर एक्सप्लोरर। और आपको की स्टोर एक्सप्लोरर को जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ओपन करना है और डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर लीजिएगा। यहां से जैसे कि मेरा जो सेटअप है वो विंडोज है, विंडोज में मैं पहले वाले ऑप्शन को डाउनलोड कर लूंगा और मैंने इंस्टॉल भी कर लिया, वो मैं आपको दिखा देता हूं कि स्टोरेज एक्सप्लोरर देखने में कुछ ऐसा है। और आप जब इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा तो आपका ऐसा ओवरव्यू दिखेगा जिसमें कि आपको पहला और दूसरा ऑप्शन जो है उसे क्लिक कर लेना है, जिसमें कि ओपन एंड एग्जिस्टिंग की स्टोर का ऑप्शन आपको मिलता है। लेकिन अभी आपके पास की स्टोर नहीं है, आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर का जो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो उसे ओपन कर लीजिए। एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे आप जनरली पहले जो आप की जनरेट किया करते थे साइनिंग की, वैसे ही आप यहाँ पर आइए, थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक कीजिए, बिल्ड के ऊपर जाइए, देन आप जनरेट साइंड बंडल के ऊपर क्लिक कीजिए,
नेक्स्ट का ऑप्शन चूज कीजिए और यहां पर क्रिएट न्यू आपके की के ऊपर क्लिक कर लीजिए और आप अपना नया की जो है वो यहां पर आने के बाद आप क्रिएट कर लीजिए, जैसे कि मैं भी करने जा रहा हूं। और की स्टोर जेकेएस मैं इसका नाम रख देता हूं, कोई भी देख सकते हैं आप, मैंने इसका नाम रख दिया। अब यहां पर आपको आपका पासवर्ड रख देना है, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं। उसके बाद आप एलियास का नाम रख लीजिए, जो भी रखना चाहते हैं। फिर आप इसके रिलेटेड जो पासवर्ड है वो रख लीजिए। उसके बाद आपको अपना नाम डालना है, जैसे मेरा नाम जयंत है। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी अपना नाम डाल लीजिए। उसके बाद कंपनी का क्या नेम है वो लिख दीजिए, सिटी क्या है वो लिख दीजिए, उसके बाद स्टेट कौन सा है वो लिख दीजिए, और आपका कंट्री कोड क्या है वो लिखकर आप ओके कर दीजिए। जैसे ओपन करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका बिल्ड जो है वो आपको एज इट इज जैसे पहले था वैसे ही देखने में लगेगा। नेक्स्ट कीजिए और आप अपना जो एप्लीकेशन है उसको रिलीज पे क्रिएट नाउ पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपकी ऐप जो है वो जनरेट हो सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप जो की स्टोर की फाइल थी वो आपको कहीं ना कहीं आपके चूज किए हुए प्लेस पर देखने को मिल जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने फाइल बनाई थी वो आपको यहाँ पे देखने को दिख रही है। अब हमें जो हमने की स्टोर एक्सप्लोरर को जो हमने डाउनलोड किया था उसमें सेकेंड ऑप्शन जो है ओपन एन एग्जिस्टिंग की स्टोर, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन आपसे वो फाइल पूछेगा किस जगह पे है, तो मैंने डेस्कटॉप पे इसे सेव किया था और ये रही वो फाइल जिसको मैंने सेव किया था। मैं इसको यहाँ से ओपन करूंगा और यहाँ से मुझसे पासवर्ड मांगेगा, ये वो पासवर्ड है जो आप की स्टोर जनरेट करते समय सेट किए थे। तो यहाँ पे आपको उसको डाल लेना है और ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक ग्रीक देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपने पासवर्ड जो डाला था ऑथेंटिकेशन वो परफेक्ट है। अब इसके ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन सारे मिल जाएंगे, आपको पीईएम जो है वो जनरेट करना है। तो यहाँ पे पीईएम के ऊपर क्लिक कीजिए और ये पीईएम आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर लीजिए और मैं फिर से इसको यहाँ पे सेव करूंगा, पीईएम पीएमएम मैं नाम डाल देता हूँ कोई टेस्ट के लिए, और मैं चूज कर ओके कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पीईएम जो फाइल है वो यहाँ पर सेव हो गया है। अब मैं इसे ओके करूंगा, इसे ओके करूंगा और मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब मुझे वापस से आना है हमारे प्ले स्टोर के ऊपर, जो मेरा अकाउंट था जहां पे मैंने अपलोड की ऑप्शंस को रखा था। अब मैं यहाँ पे अपलोड डॉट पीईएम फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा, ये मुझे हमारे डैशबोर्ड वाले सेक्शन पर लेकर जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीईएम फाइल मेरी है। इसको करने के बाद मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको रिक्वेस्ट करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर इज अ पेंडिंग रिक्वेस्ट फॉर रिसेटिंग द अपलोड की का यहाँ पे आपको मैसेज दिख जाएगा। और आप अगर आप जीमेल अपना ओपन करेंगे तो जीमेल के अंदर आपको वो ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएगा, जो ईमेल है एक एक्सपेक्टेड डेट आपको मिल जाएगी किस डेट पे आप अपना जो है वो ऑप्शन रीसेट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे मैसेज आ गया है और इस फाइल को यानी कि मैं जो हमारा रीसेट वाला ऑप्शंस है 8 अक्टूबर को 8:41 के बाद मैं नया जो की है वो अपलोड कर सकता हूँ, यानी कि न्यू एपीके फाइल नए साइंड किए हुए जेकेएस फाइल के साथ अपलोड कर सकता हूं। एंड आई विश आपका जो इश्यूज होगा रिलेटेड टू दिस वन वो सॉल्व हो गया होगा। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हो पाई होगी तो प्लीज कमेंट लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर ऐसे ही जुगाड़ वाले इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोस देखने को आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद।